संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं बरखा आंटी को। बरखा आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी आज मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे अपना एक्सपीरियंस जो उनकी मेहर और उनकी कृपा है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा जाने अनजाने, क्योंकि सत्संग करते हुए इंसान इमोशनल हो जाता है, उसे पता नहीं चलता। तो कोई भी गलती कोई भी भूल चुक हो तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी हमारे परिवार को गुरु जी ने अपनी शरण में 2000 जैसे शुरू हुआ था उसी समय अपनी शरण में ले लिया था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड के चाचा जी के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो है सब्बरवाल अंकल। वो एक साल पहले ही गुरु जी की शरण में पहुंचे थे और उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड के चाचा जी जो कि यूएस में सेटल्ड हैं, वो आए उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं और हम उनकी शरण में जब से पहुंचे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी चलो उनसे आशीर्वाद लो। एक और कपल भी आया हुआ था बाहर से। तो मेरे अंकल के जो चाचा जी है उनको भगवान में कोई विश्वास नहीं है, तो उन्होंने तो मना कर दिया। और उनके बड़े बेटे को उस टाइम पे डिप्रेशन प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि तू चली जा इनके साथ। और साथ में जैसे वो जा रहे थे उन्होंने बोला भाभी को भी लेके जा, दैट इज माय मदर लॉ, उनके लिए बोला कि उनको भी लेके जा। कि वो ना मेरे अंकल के लिए बोला कि वो मेरे अंकल का नाम शिव है, कि शिव के लिए परेशान रहती है, उनको भी ले जा। बोला ठीक है। तो इस तरह सब्बरवाल अंकल के साथ मेरी मदर लॉ और मेरे हस्बैंड की चाची जी दोनों गुरु जी के पास गए। और गुरु जी से जब उनकी इंट्रोडक्शन हुई तो मेरी मदर लॉ को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो उनसे पूछा गया कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरी मदर लॉ ने बताया कि वो रिटायर्ड एयर मार्शल है। तो गुरु जी ने बोला तुसी कित्थे रहंदे हो, तो मेरी सास ने बताया कि मैं एस ब्लॉक जीके वन में रहती हूँ। तो गुरु जी कहते लै मैं ते उधर ही सीगा तेरे घर दे कोल, तब तो तू आई नहीं मिलन मैनू। तो मेरी मदर लॉ गुरु जी हमें तो पता नहीं था आपके बारे में। तो फिर मेरी मदर लॉ ने मेरे हस्बैंड के बारे में बताया कि वो जो काम शुरू करता है वो कुछ भी पलटता नहीं है, और फिर दूसरा शुरू करता है फिर वो पलटता नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, मतलब इतनी ज्यादा थी कि हमारी दो बेटियां हैं, एक बेटी की फीस मेरे फादर लॉ देते थे, एक बेटी की फीस मेरे फादर देते थे। घर चलाने के लिए भी ऐसे ही दोनों ने डिवाइड किया हुआ था। तो कुछ भी करो मतलब ना नौकरी लगती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो गुरुजी ने मेरी मदलाओं को बोला कि अगली बारी उसकी ना फोटो ले करें। तो मेरी मदल बोला ठीक है। फिर पूछा गुरुजी ने कि मुंडा कितने रहता है, तो मेरी मदलाओं ने बोला गुरुजी मेरे पास मेरे कोल ही रहता है, मेरे मतलब कि मेरे पास ही रहता है। तो बोला ठीक है फिर मुंडे को लेकर आ जा। मदलाओं जब घर पहुंचे उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह फोन करा और मेरे अंकल को बोला कि साथ चलने को। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अपनी जन्मपत्री ले जाओ, जो कि मोस्टली आप किसी हम क्योंकि पंडितों के पास गए थे इनके लिए, और हम ऐसे और किसी जगह नहीं, एक दो पंडितों को हमने इनकी जन्मपत्री दिखाई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी कह रही है कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी हैरान थी, मैं कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं हमें ना शाम को जाना है सिर्फ। ओके। तो मेरे हस्बैंड अपनी चाची जी को और अपनी मदर को लेके गुरु जी की शरण में पहुंचे। जब ये पहुंचे तो मत्था टेका, उसके बाद ये बैठ गए। तो गुरु जी ने बाद में जब छुट्टी के टाइम पे मेरे अंकल को बोला कि 5.25 ग्राम का ना ओम ले आई। तो मेरे अंकल के मन में चला कि हमारे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है, 5.25 ग्राम का ओम कहां से बनवाऊंगा। गुरु जी तो जान ही जाना, उन्होंने एकदम मेरे अंकल को बोला कि तू नहीं बनवाना तेरी माँ बनवाएगी। तो मेरे अंकल के मन में आया कि माँ ने तो बनवा लिया, बात ही खत्म हो गई, आशीर्वाद लो और चलो। तो मेरी मदलों को गुरुजी ने बोला कि तू 5.25 ग्राम का सोने का ओम बनवा करें। मेरे अंकल ने एक्चुअल में 5.25 ग्राम नहीं, उन्होंने सुना 5.25 तोला। सो व्हेन ही केम बैक होम ही सेड कि मुझे नहीं पता, मैं वहां से ड्राइव करके मम्मी को जीके छोड़ के हम चितरंजन पार्क रहते हैं, मैं वहां घर कैसे पहुंचा हूं मुझे नहीं पता। ही वाज टोटली ब्लैंक, वो कहते मैं बिल्कुल ब्लैंक
आया और गुरुजी ने उस टाइम पे अपना डेस्क कैलेंडर इनको दिया था। तो जब इन्होंने मुझे डेस्क कैलेंडर पकड़ाया, गुरुजी का स्वरूप देखते ही मुझे ऐसे लगा कि ये महाप्रभु हैं। कृष्ण भगवान जब एक जी का एक अवतार था चैतन्य महाप्रभु। मेरी दादी बहुत मानती थी कृष्ण भगवान को, 6 महीने वृंदावन ही रहती थी, तो बचपन में हम दादी के कमरे में चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत स्वरूप लगे हुए थे। तो गुरु जी को देख के मेरे मन में यही आया। उतने में मेरे अंकल ने बोला कि उन्होंने बोला है 5.25 तोले का ओम लेके आना है, कहां से ले जाएंगे अब। तो पूरी रात मैंने कहा ये कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब उन्होंने बोला, कहता कल को रख लिया उन्होंने, फिर मेरे को तुम सारे बोलोगे कि ये देख तेरी वजह से एक और नुकसान हो गया। मेरे अंकल बहुत घबराते थे। फिर इतने में रात भर वो तो सो गए, मैं उधेड़ बुन मेरे दिमाग में चलती रही कि इतना गोल तो पड़ा है, अगर मेरे हस्बैंड का कुछ भला हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो मैं क्यों ना तोड़वा के ओम बनवा लूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने मम्मी को हुक्म दिया, ये बात मेरे अंकल ने मुझे नहीं बताई। सुबह जब उठी थोड़ी देरी बाद मेरी मदलों का फोन आया, तो बोला सुना तूने, तेरे को शिव ने बताई सारी बात। मैं कहा हां जी बताया। मैं कहा मम्मा ये तो बहुत ही अलग लग रहे हैं। तो उतने में मेरे को मैंने कहा मम्मा 5.25 तोले का जो थोड़ा मेरे पास जो गोल्ड है उसको तोड़वा के बनवा लेंगे, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो इतने में मेरे हस्बैंड की चाची पीछे से फोन पे बोली कि तूने नहीं बनवाना, मम्मा बनवाएगी। ऐसे हां जी, कहते पहली बात है गुरुजी ने 5.25 ग्राम बोला है, तोला नहीं बोला। तो हम सारे हंस पड़े। एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन अ तोला एंड अ 5.25 ग्राम। तो इवन ही हैड अ गुड लाफ। इतने में वो ओम बना। 15 जनवरी को मैं, मेरी दो डॉटर्स हैं, हम और मेरे हस्बैंड की बुआ, उनकी फैमिली वगैरह, हम काफी जने गुरुजी के यहाँ पहुंचे, मत्था टेका। और पीछे जाके बिल्कुल एम्पायर स्टेट में सीढ़ी उतरते ही लेफ्ट साइड को मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी। और हम, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी मैं गुरुजी को देखा, पर कोई ऐसा भाव नहीं आया कि ये भगवान है या कुछ है, अच्छा लगा। एक आंटी लुधियाना से आई थी, उन्होंने गुरुजी के ऊपर एक पोयम लिखी थी, उन्होंने वो पोयम सारी सुनाई। ये सुना उसके बाद जब गुरुजी प्रसाद हाथ से देते थे, कड़ा प्रसाद या कुछ, तो उस टाइम पे इंट्रोडक्शंस होती थी। तो उस टाइम पे जब वो प्रसाद लेने गए, तो मैं अपने मदरलॉ के साथ ही हम लोग गए, तो मदरलॉ ने फिर गुरुजी को बताया, गुरुजी ये मेरी नूह है। तो गुरुजी कहते तेरी नूह ना बहुत चंगी है। तो मेरी मदरलॉ ने बोला हाँ जी गुरुजी, इसने मेरे को पलट के कभी जवाब नहीं दिया। हमने मदरलॉ तो प्रसाद लेके चली गई। फिर गुरुजी ने मेरे से पूछा ना किया तेरा। संगत जी मेरा नाम मेरे डैड ने वर्षा रखा था, एंड शादी के बाद वो ग्रह नहीं मिल रहे थे तो मेरा नाम प्रियम हो गया था, पर मेरे मुंह से प्रियम निकला ही नहीं, मेरे मुंह से निकला वर्षा। तो गुरुजी ने मेरे को बोला इस तरह है, अगली बारी आई ते शिव पुराण लेकर आई, ठीक है। मैं कहा हां जी गुरुजी। अपने डैडी नु लेकर आई, एंड तीसरा मुझे बोला कि बृहस्पति के व्रत रखने। अब बृहस्पत क्योंकि, मतलब बृहस्पत सच्ची बोलो वीरवार पता था, बृहस्पति वार नहीं पता था। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी कहते हैं कि किसी भी दुकान ते जाए कथा मिल जाएगी, किसी पंडित ने पूछ ली किस तरह करना है, उस तरह तू व्रत रखने ने रुक रुक के व्रत रखी, ठीक है। मैं कह हां जी गुरुजी। तो ऐसे करके पूछ के हम लोग आ गए। जब हम बाहर की तरफ आ रहे थे, और मुझे ये भी बोला गुरुजी ने कभी भी घबराई ना, ठीक है, एक तो वहम ना करी और कभी भी ना घबराई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो हम लोग जैसे बाहर को आ रहे थे, तो मेरे को सबरवाल अंकल साथ थे, उन्होंने बोला कि घर जाते ही डैडी को फोन करना, बोला उन्होंने आना। मैंने कहा ठीक है अंकल, और बोला जो जो गुरुजी ने बोला वो आप जरूर फॉलो करना, उनके वचन ऐसे नहीं होते, वो पत्थर की लकीर होती है। अच्छा ठीक है जी। तो हम लोग जैसे घर पहुंचे, बहुत अच्छा लगा था हमें, एक अलग तरीके का ना हौसला मिला था। जब गुरुजी ने बोला कभी भी घबराई ना, तो मुझे लगा कि अब ना सब कुछ ना यही हो जाना है। और गुरुजी ने एक दो बातें और बोली जो मेरे बचपन से रिलेटेड थी, और मैं हमेशा बोलती थी भगवान मिलेंगे ना तो मैंने उनसे पूछना है। अपनी तरफ से गुरुजी ने तो इंडिकेशन दे दी थी कि वो कौन है, पर हम इंसानों को देखो समझ तब आती है जब वो गुरुजी वो वाला हमारा पट खोलते हैं, तब जाके वो समझ आती है। जब मैं घर पहुंची हमें बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह अमृत वेले मुझे आता क्या था, मैं 5 बजे झटके से उठी,
तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। गुरुजी ने मुझे दर्शनों में दिखाया कि गुरुजी बहुत सारी संगत लेके हमारे घर आ गए हैं और हम उनको आए थे ऑन सेकंड फ्लोर, तो टेरेस भी हमारे पास, टेरेस पे हम गुरुजी को लेके गए। हम गुरुजी के लिए एक चेयर लगाते हैं, गुरुजी बोलते हैं शब्द चलाओ और शब्द चल जाते हैं, जबकि उस टाइम पे हमारे घर में एक भी शब्द की कैसेट नहीं थी। कहां से शब्द चलते हैं पता नहीं। उसके बाद गुरुजी मुझे बोलते चाय प्रसाद बनाने को। जब मैं नीचे आती हूँ, मेरे अंकल मेरे साथ आते हैं, तो हम देखते फ्रिज में दूध ही नहीं, दूध बहुत ही नाम मात्र होता है। तो मेरे अंकल मेरे पे बहुत गुस्से होते हैं कि तूने दूध नहीं रखा हुआ, ये क्या किया तूने, इस टाइम पे दूध कहाँ मिलेगा। मैं कहा ऐसे है, मुझे क्या पता था रात को हम होकर आया और सुबह सुबह गुरुजी संगत लेके आ जाएंगे। मैं कहा चिंता मत करो, मैं जाके मार्केट होके आती हूँ, आप बैठो। संगत जी मैं मार्केट जाती हूँ, पहले एक शॉप फिर दूसरी शॉप, बड़ी मुश्किल से मुझे दूध मिलता है। मैं आके मैं गुरुजी को नमस्कार करके बोलती हूँ कि चलो अब मैं चाय प्रसाद बनाऊ। पर होता क्या, जैसे मैं ऊपर जाती हूँ छत पे, तो क्या देखती हूँ संगत के हाथ में ऑलरेडी चाय प्रसाद है। गुरुजी मुझे इशारा करते हैं इधर आ, फिर एक संगत एक सेवाधार होते हैं उनको बोलते हैं एनू एक चाय का प्रसाद दे। जब मैं चाय प्रसाद पकड़ती हूँ तो गुरुजी मेरे को कहते हैं संगत का मतलब होता है एक थां होके बैठ जा, ठीक है। मैं कहा हां जी गुरुजी। फ्रेंकली स्पीकिंग उस टाइम मुझे वो बात समझ नहीं आई। गुरुजी के आगे बस एक लेसन सीखा, यू कांट से नो टू हिम, यू आर अ पपेट इन हिज हैंड। हम एक कठपुतली है तो हमें सिर्फ सर झुका के ना हिलाना है सर, हां जी हां जी सर, बस दैट्स इट। तो वो गुरुजी ने फर्स्ट डे से ही जैसे वो एक हमें ना वो छड़ी लेके वो बात समझा दी, तो हां जी करा। वो ढाई साल या दो साल बाद मुझे याद है कि सत्संग करते करते मुझे समझ आया कि मुझे कहीं पे भी अब जाने की जरूरत नहीं। जैसे हम किसी मंदिर जाते हैं मन्नत मां, हमें कुछ नहीं करना, जो हमें प्रसाद मिलना है वो गुरुजी के ही दरबार में मिलना, तो हमें बहुत ही खुशी हुई, बस ये पता था। उसके बाद तो मतलब एक गुरुजी ने धारा चला दी भक्ति की, गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए। मैं अगली बारी जब गई तो शिव पुराण लेकर गई और मेरे डैडी भी साथ चले। उस टाइम पे मेरे डैडी और मेरे फादर दोनों मिलके मेरे हस्बैंड को एक बिजनेस शुरू करके देना चाहते थे। एक मेरे डैडी के घर के पास एक सरदार जी रहते थे, मॉर्निंग वॉक में मिलते थे, तो उन्होंने बताया कि मेरा ना एंडोलियम की स्टेयरकेस का बिजनेस है और मेरे को रेलवे ये रेलवे से और इवन BSES से बहुत ऑर्डर आते हैं, तो मैं उनके लिए गवर्नमेंट का भी ऑर्डर आ जाते हैं, वो बड़ी बड़ी स्टेयरकेस बनती है जो सड़क पे हम देखते हैं। तो मैं अभी बिजनेस बेचना चाहता हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर लॉ मेरे फादर और मेरे फादर लॉ हमारे ही घर पे मिले और उन्होंने बोला कि चलो हम ये बिजनेस इसको शुरू करा के देते हैं। तो मेरे फादर ने मेरे फादला को बोला कि देखो हम भी आए हुए हैं, हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, तो आप भी चलो उनसे चल के आशीर्वाद ले लो महाराज, उनसे एक हम आशीर्वाद ब्लेसिंग लेके आते हैं शुरू करते हैं। तो ऐसे बात करते करते उन्होंने बोला आप वैसे क्लब जाते हो पार्टियां जाते हो तो सोच लो एक ये भी पार्टी है, चलो हमारे साथ। तो मेरे फादला भी मान गए, हम सारे मिलके गुरुजी के पास गए। गुरुजी को मैंने मिलवाया डैड से कि गुरुजी ए मेरे डैडी ने और गुरुजी ने बड़ी बातें की। उस टाइम मेरे डैडी अमेरिकन एम्बेसी में थे, गुरुजी ने मेरे डैडी को बताया कि मैंने पता है थोड़ी है वड्डी कुड़ी है एक थोड़ी छोटी कुड़ी है। फिर मेरे डैडी ने गुरुजी को सारा बिजनेस के बारे में बताया, तो गुरुजी ने बोला हाँ कर लो। उस टाइम पे हाँ कर लो तो महाराज ने कह दिया। उसके कुछ दिन बाद मतलब इन्होंने ट्राई करा पर बिजनेस संभाव हम नहीं खरीद पाए। एक दिन मैं मत्था टेक रही थी गुरुजी के पास गई थी संगत में और मैंने जैसे मत्था टेका, I still remember गुप्पी अंकल्स मदर वाज प्रेसिंग गुरुजी के चरण की सेवा कर रहे थे एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड कि और ऑर्डर आ रहे ने। I said, हाँ, गर्दन हिला के मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि देख ले देख ऑर्डर आ रहे ने। अब मुझे समझ नहीं आया कौन से ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसे ब्लेसिंग है जी चलो ले लो। मैं जाके बैठ गई। रात को जब मैं घर पहुंची तो मैंने अपने डैडी को फोन किया और मैंने कहा डैडी गुरुजी ने ना आज बोला ऑर्डर आ रहे ने। कहते तूने क्या बोला, मैं कहा हां जी गुरुजी। कहते ओ गुरुजी को अभी फोन लगा, गुरुजी से बात कर। मैंने कहा डैड हुआ क्या, कहते वो सरदार जी के पास इतने ऑर्डर आ रहे हैं, वो कह रहे आज तक जिंदगी में इतने ऑर्डर नहीं आए।
जितने कि अब उन्हें ऑर्डर आ रहे। ऐसे डैड कुछ हमने शायद उनको देना होगा, गुरुजी ने ऐसे ही क्लियर कर दिया, अब गुरुजी को कौन बोले। वी हैड अ गुड लाफ एंड ऐसे महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं। नौ संगत जी, आई विल शेयर विद यू, जो गुरुजी ने हमें, मेरे को हमेशा गुरुजी कहते थे, बॉम्बे वाले दा सत्संग सुना, मैं तेनु शिवलोक तो फुल दिता गेंदे दा, ए भी सुना। संगत जी, गुरुजी 2002 में चले गए थे जलंधर। जब गुरुजी जलंधर चले गए तो हमारे नीचे एक फैमिली रहती थी, उनके साथ हमारी काफी अटैचमेंट थी। तो गुरुजी ने मुझे सपने में आके बोला, जनवरी का महीना था, कि ऐसे है कि नीचे जब भी तू मार्केट जाई ना, आंटी नु पूछ के जाई कुछ चाहिए। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और उस टाइम हमारे यहाँ पे पानी की बड़ी शॉर्टेज थी। मेरे को कहते हैं ऊपर चढ़ के डोल से, तो जिसमें हम दूध वगैरह लेके आते हैं स्टील का, उस एक वो मैंने स्पेयर ऊपर रखा हुआ था, कहते हैं उससे ना तू अपनी टैंक से उनकी टैंक फुल कर देना। कहते तू चिंता मत करियो, तेरी टैंक मैं फुल कर देंगा, पर तू वो अपने हाथ से करना। ऐसे ठीक है गुरुजी। आई केम टू नो कि शी हैज सडनली लेफ्ट फॉर बॉम्बे। उसकी मम्मी के यहाँ से फोन आया था मैके से, और उसको अचानक बॉम्बे जाना पड़ा, पर वो क्यों गई ये नहीं पता था मुझे। तो मैंने कहा जरूर कोई सीरियस बात होगी, तो मैंने उसकी मदर से जाके पता करा। मैं कहीं बात बताओ आंटी, रितु अचानक बॉम्बे चली गई है, सब सुख है ना। कि मैंने कहा आंटी कोई उसको ये बोला गया था कि उसकी मम्मी गिर गई है। मैं कहा आंटी फ्रैक्चर में तो ऐसे नहीं होता। कहती नहीं बेटा, उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, उनकी आज सर्जरी है, तभी उन्होंने इसको बुलाया, इसको बताया नहीं कि इसको घबराहट ना हो। आई वॉज रियली सैड, इतनी मैं शॉक हो गई कि गुरुजी ने कैसे उनको देखो ब्लेसिंग्स दी है। जब वो वापस आई बॉम्बे से, उसको मैंने बताया कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे सपने में आके मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए। वो मेज पे चिल्लाई कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं कहा यार तेरे जाने के बाद महाराज ने दर्शन दिया। वो ऊपर आई हमारे यहाँ गुरुजी का जो मंदिर बना हुआ है वहां पे उसने मत्था टेका। गुरुजी ने उसको कभी अपने पास दर्शनों के लिए नहीं बुलाया था, उसके बच्चों को बुलाया और उसको कभी नहीं बुलाया। और वो बड़ी फिर खुश होके आशा लेके गई। संगत जी, मई तक में उस आंटी ने ब्रेन सर्जरी के बाद एक वेडिंग अटेंड करी। मार्च में हमें गुरुजी ने जलंधर बुलाया, तब गुरुजी ने उसका वो एक होगा वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले फिर फरवरी में, फरवरी 20th 2000 में न्यूज़पेपर में एड एक आर्टिकल आया था कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, जिसको जो मांगना हो ना भगवान से मांग ले झोली करके, उसकी वो जरूर मुराद पूरी होगी। आज ये डेट बहुत, मतलब अलग अलग व्यूज दी थे कि इसलिए लकी है। संगत जी मैं भी, क्योंकि गुरु जी का हुक्म था शिव पुराण पढ़नी है, तो मैं भी ना पाठ करने से पहले मैंने अपनी झोली कर दी गुरु जी के आगे। मैं कहा गुरु जी ये समझ लो कि ये ना किंग साइज बेड कवर है, अब मेरी झोली भर दो आ जा। बस ये कह के संगत जी मैंने जैसे ही दंडोर प्रणाम करा, मेरे ऊपर एक गेंदे का फूल आया। वो मुझे समझ नहीं आई कि ये फूल कहाँ से आया। मैंने उसको साइड पे रखा एंड उसके बाद मैंने जैसे शिव पुराण का पाठ शुरू करा, मेरे को इतनी शर्मिंदगी हुई। उसमें जो आया वो चैप्टर वो आया कि शिव जी जी हर उन्होंने जो सृष्टि बनाई है, जो देवी देवता, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, जो भी भगवान ने बनाया, एक एक को बोल रहे हैं कि ये जो वक्ता ये पाठ कर रहा है, इसको आप सब आशीर्वाद दो, इसके लिए शुभकामनाएं करो। और एंड में उसमें लिखा था कि जो भी ये पाठ करता है उसको आशीर्वाद देने शिव और पार्वती माँ ऊपर आते आसमान में आके आशीर्वाद देते हैं। सॉरी संगत जी, जब ये आया था ना उसके बाद था कि पाठ के बाद आप ना दंडोर प्रणाम करो। तो उस टाइम पे जब मैंने दंडोर प्रणाम करा तो मेरे ऊपर गेंदे का फूल आया। मैं बहुत शॉक्ड हो गई और बहुत रोई गुरु जी के आगे कि गुरु जी मुझे माफ करो, मुझे प्लीज माफ करो, मैं बहुत छोटी इंसान हूं, मैंने क्या कर क्या दिया। आप हमें, हम संगत को इतना प्यार करते हो, मैंने ये इतना छोटापन करा। गुरु जी का तो दिल बहुत बड़ा है, देखिए उन्होंने मुझे वो गेंदे का फूल गिफ्ट करा। अब मुझे था कि मैं किससे पूछूं ये कि ये सब क्या है। उतने में गुरुजी ने, क्योंकि हमें जलंधर बुलाया, जलंधर संगत जी हम जैसे पहुंचे तो उस टाइम पे पहली बारी शिव पुराण संपूर्ण भी हुई थी,
तो मैंने गुरुजी के आगे जब मत्था टेका छुट्टी के टाइम पे, तो मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी और शिव पुराण संपूर्ण हो गए, मैं शुरू कर दू? कहने हाँ। कहते ले अकेले अकेले मजे लेंदी रहती है, है चल खड़ी हो। मैं कहा हां जी गुरु जी। कहते सारी संगत नु सुना, मैं बॉम्बे वाली का कल्याण किता, ते ओ भी सुना जो मैं तेनू शिव लोक तो गेंदे का फुल दिता है, अकेले अकेले मजे लेंदी है। संगत जी मेरे बोल नहीं पा रही थी, मतलब बिल्कुल मैं चुप हो गई, क्योंकि जब मैंने अपने घर में मेरे अंकल के साथ मैंने शेयर करा था, किसी और के साथ, तो सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि क्या यार ये होता रहता है इसके साथ, ये बोलती रहती है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल एकदम चुप हो गई कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने तो कंफर्म कर दिया, गुरुजी ने तो बोल दिया। एक वो खुशी थी, एक वो बिल्कुल मैं चुप हो गई थी। गुरुजी ने बहुत प्यार दिया और उसके बाद हम दिल्ली आ गए। गुरुजी ने अपने एक अलग से स्वरूप भी अपने हाथों से गिफ्ट करे संगत को, दिन बंटवाए थे। उसके बाद बैसाखी आई। बैसाखी पे ऐसा था कि गुरुजी कुछ ही महीनों के लिए गए थे, और जैसे ही आए थे तो हुक्म था कि दूर दूर से मत्था टेको, दूर दूर से मत्था टेको। तो जब थोड़ी देर मतलब सारा फंक्शन हो गया बड़े मंदिर में, तो उसके बाद गुरुजी ने अनाउंसमेंट कराई कि दिल्ली की संगत की छुट्टी, और पंजाब से जो आए हैं ना वो अंदर आके हॉल में बैठ जाए। उसके बाद संगत जी हॉल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। कोइंसिडेंस मेरे अंकल हॉल के अंदर थे, और बाहर तो हम वेट करते रहे। सब कुछ हो गया, दिल में भी बड़ा था कि गुरुजी ने अंदर नहीं बुलाया, इतने टाइम बाद गुरुजी आए हैं, ये हमारे साथ ये कौन सा गुरुजी नाइंसाफी कर रहे हैं। संगत जी जैसे द्वार खुला तो गुरुजी का हुक्म था आओ मत्था टेको और जाओ। तो गुरुजी ने मैंने जैसे मैं पहुंची गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मेरे को नीचे, उस टाइम पे अरुण शोरी आंटी की भाभी खड़ी बैठी थी, गुरुजी उनसे सेवा ले रहे थे, उनको बोला कि एक बढ़िया एक नीचे से ना गुलाबों की माला निकाल के दे। वो माला निकली, गुरुजी ने मेरी झोली में माला डाली। मैं कहा गुरुजी ऐसा की करना है? कहते मैं कहा गुरुजी मंदिर में रखना है? कहते नहीं नहीं घर जाके एक साफ बर्तन में इसको भिगो के रखना, और कल उस जल से तुम सब स्नान करना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और मैं कहते होने की है? मैं कहा गुरुजी आप इतने दिनों बाद आप आए हो, और आपने आते ही बोला दूर दूर से मत्था टेको, हम लोगों को आपने मत्था भी नहीं टेकने दिया, तो इतने प्यार से इसे ले हूं टेक ले। एंड संगत जी फिर मैंने अपना सर गुरुजी की झोली में रखा, गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। और जब मैं मत्था टेक रही थी तो मेरे अंकल ने बोला, गुरुजी ने बोला इलीगल एंट्री। मैंने अपने अंकल को बोला इलीगल एंट्री, आपको बोला होगा, हम तो बाहर बैठे थे, आप ड्राइवर हो आप अंदर थे, तो सवारियां भी तो बाहर ही बैठेंगी। गुरुजी ने बहुत एक एक संगत को बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। एंड संगत जी उसके बाद एक वक्त आया था कि जिन जिन को हम जानते थे, गुरुजी ने उनको जोड़े किसी को चोला ऐसे गिफ्ट किया, तो हमारे मन में भी आया कि एक मंदिर बनवा ले कि गुरुजी कल को जोड़े देंगे तो हम कहाँ रखेंगे। संगत जी पर जैसे मैं ये बताना भूल गई, जब मैंने शिव पुराण का गुरुजी के आगे से पाठ करना शुरू करा, तो जिस रूम में पहले मंदिर बना हुआ था वहां पे जब बैठा तो ऐसे लगता था कि हवन हो रहा है, तो मन में बड़ा होता था कि ये क्या है। और हम लोग यही सोचते थे यहाँ पे आके कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम यही सोचते थे घर ना हमारे लिए बड़ा अनलक्की है। पर गुरुजी ने हवन करके दिखाया कि नहीं, जब गुरुजी आ गए ना तो सब कुछ पवित्र हो गया। तो उस टाइम पे मैंने गुरुजी को बताया, मैं कहते ऐ तो मेरी ब्लेसिंग है तेनो, पर वो मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी है। उसके बाद संगत जी मतलब सब कुछ गुरुजी ने, फिर हमने हमें गुरुजी ने बिस्लरी, हमारी दुकान है गुलमोर एन्क्लेव में, गुरुजी ने पानी का काम शुरू कराया, एंड बड़ा अच्छा हमारा बिस्लरी का शुरू कराया। 2002 में गुरुजी ने, हम जलंधर में थे, तब मेरे अंकल को बोला कि शुरू करो, और मतलब अचानक ही हमारा जो बिस्लरी का जो स्टॉल था वो वन ऑफ द बेस्ट बन गया दिल्ली में। बहुत अच्छी सेल गुरुजी ने कराई, बहुत मतलब कि एक टाइम पे मतलब ऐसे होता था कि हम बिल्कुल वेले बैठे होते थे, और ऐसे फिर कस्टमर गुरुजी भेजते थे कि सारा लॉट ही बिक जाता था। गुरुजी ने काफी कंपनीज का भी हमें दिलाया, और बहुत मेहर करी महाराज ने। उसके बाद गुरुजी ने मेरे अंकल की जॉब लगवाई, पहले सन सिटी में लगाई, मेरे अंकल प्रॉपर्टी डीलिंग में थे,
उनकी उस टाइम पे मॉल्स का टाइम शुरू हो रहा था, गुरुजी ने सन सिटी में, फिर टीडीआई में लगाई, फिर उसके बाद गुरुजी ने इनको बोला कि हुन तू अपना काम कर, तो फिर गुरुजी ने इनको काम शुरू कराया। उससे पहले भी गुरुजी ने इनकी नौकरी लगवा दी थी। संगत जी, जब पहली बार गुरुजी ने इनकी नौकरी लगवाई, इनकी एक बिल्डर के पास नौकरी लगवाई, उस टाइम पे मतलब ये मतलब काफी वो सैलरी इतनी नहीं मिलती थी, पर एक होता था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि चलो मेरे अंकल भी बिजी हो गए। उस टाइम पे ये हुआ था कि ये 2000 की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी जब मई जून में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां आती है, मेरी बड़ी बेटी उस टाइम पे सेवेंथ में थी, वो बहुत बीमार पड़ गई, और मतलब ये था कि उसके सामने डाइजीन की बॉटल भी रखी जाती थी, वो उल्टियां करती थी, कुछ समझ नहीं आता था कि इसको हो क्या रहा है, एंड किससे बोलो। मैंने अपने उस टाइम पे मेरे अंकल को इतना गुरुजी में विश्वास नहीं था, मैंने इनको बोला हम गुरुजी के पास चलते हैं, कहते नहीं नहीं डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई बात नहीं देखा जाएगा देखा जाएगा। इसकी जो पीडियाट्रिशियन थी उसने इसको गंगाराम में एडमिट कराया, और मतलब कि उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे अंकल की एक प्रॉपर्टी डील करवाई, और उसमें जो पैसे इन्होंने कमाए वो सारे हॉस्पिटल में लगने थे। गुरुजी ने इसीलिए इनकी डील कराई कि कोई इनको टॉन्ट ना मारे, इनके पास इनकी कैश हो। संगत जी, वहां पे जब एडमिट हुए उस पे कोई असर नहीं हो रहा था, मतलब इनको फिर हो रहा था यार हमारे पास तो पैसे नहीं है क्या करें। थर्सडे का दिन था, मैंने इनको बोला चलो, इन्होंने सुबह ही पीडियाट्रिशियन से बात करी कि प्लीज मैम छुट्टी दे दो, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। कि उसने इनको डांट वूंट के ना फोन रख दिया। संगत जी, उसके बाद मेरे हम अपने मेरे पेरेंट्स के यहाँ रह रहे थे जो कि गंगाराम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास न्यू राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो उनके घर के बिल्कुल सामने ही केले का पेड़ था। बृहस्पति की कथा और व्रत की जो होती है वो कथा की जाती है केले के पेड़ के आगे, तो हम लोग वहां गए कथा करी। कथा करके जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स के घर की डोर बेल बजाई, मेरी मम्मी ने कहा डैडी का भी फोन आया था, वो कह रहे हैं हमने बिल क्लियर, बिल आके क्लियर करो और पेशेंट को ले जाओ। वी वर थैंकफुल टू गुरुजी, हम उसको लेके घर पहुंचे। उसके बाद हम अपने घर आए, घर आके हमने गुरुजी को प्रणाम करा, उनको थैंक यू, उनको बोला कि एक राह दिखाओ गुरुजी प्लीज। अब मेरे अंकल गुरुजी के पास चलने को तैयार नहीं थे, तो उसके बाद फिर जब थर्सडे आया उसको मैंने अपने पास बिठाया और मैंने कहा बेटा तू बस गुरुजी को याद कर, मेहर करेंगे तेरे पे। एक महीना उस बच्ची ने सफर करा, उसके बाद अचानक मेरे अंकल ने बोला हाँ चलो गुरुजी के पास चलते हैं। हम जब गुरुजी के पास लेके गए, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी बच्ची ना बहुत प्रॉब्लम में है। उसके एक दिन पहले मेरी बेटी मुझे कहती है मम्मा मुझे ना राजमा खाने हैं। मैं कहा बेटा तेरा मैं गला घोट देती हूँ, पानी तू पी नहीं पा रही, उल्टियां ऐसे करे जा रही। हमने उसके बेड के पास ही ना बाल्टियां रख दी थी, माई हस्बैंड वुड कैरी हर टू द टॉयलेट, एंड मतलब कि इतना उसका बहुत कमजोर हो गई थी। एंड उसके बाद जैसे गुरुजी ने, मैंने गुरुजी को बताया गुरुजी बहुत प्रॉब्लम में है, कहने कोई गल। उसके बाद गुरुजी ने उसको हलवा प्रसाद दिया अपने हाथ से, जो कि मेरे अंकल ने पूरा नहीं खाने दिया कि ये तो देसी घी का है। और वहां पे मतलब हम थोड़े टाइम बाद गए थे, तो मुझे आता क्या आता है सिंगला अंकल ने बोला था की गल है कोई नाराजगी है आए नहीं तुसी। हमने बोला नहीं अंकल इसकी तबीयत बहुत खराब चल रही है इसलिए नहीं आता। और मतलब कैसे गुरुजी प्यार दिलाते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू संगत, देखो आपको सेवाधार आके बोलते हैं कि आप आए नहीं, इतनी सारी संगत में मतलब ऐसे गुरुजी वेलकम करते हैं कि पूछिए नहीं। तो बहुत दिल को इतनी तसल्ली हुई। उसके बाद संगत जी जब लंगर प्रसाद आया, आप विश्वास नहीं करो, गुरुजी ने बिल्कुल अपने आगे हमें लेफ्ट साइड को बिठाया था, वी वर द फर्स्ट वन टू सिट नियर द गद्दी। एंड उस लंगर में संगत जी आया राजमा प्रसाद, मैं और मेरी बच्ची हम दोनों रो पड़े। तो दूसरे जो बैठे थे बोला क्या हो गया, हमने बताया कि ऐसे बड़ी बीमार रही है, उसने बोला राजमा प्रसाद। उस दिन मेरी बेटी ने एक महीने के बाद दो रोटी प्रसाद और राजमा प्रसाद खाए। एंड उसके बाद हमने गुरुजी को मत्था टेक के जब थैंक यू बोला, गुरुजी ने कहा वेख ले तेरी कुड़ी नु मैं ठीक कर लिया। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, ये कह के लिटरली मतलब हम लोग भागे बाहर की तरफ। उसके बाद उसकी क्या प्रॉब्लम थी क्या हुआ था वी डोंट नो, ना हमने पता करने की कोशिश की। जब गुरुजी ने कृपा कर ली बात खत्म हो गई। उससे पहले जब मार्च का महीना था तो मेरी बेटी बड़ी वाली, उसको हमेशा मतलब कि
ए प्लस ही आता था उसका. शी वॉज टच वर्ड बाय हिज ग्रेस, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो गुरुजी जब हम मत्था टेक रहे थे, गुरुजी ने मुझे कहा तेरी कुड़ी ना ए प्लस कुड़ी है. तो मैंने कहा हां जी गुरुजी, इसका ना ए प्लस आता है. गुरुजी उसकी सोल के बारे में बात कर रहे थे और मैं मार्क्स के बारे में. स्टिल रिमेम्बर एक जनरल ग्रेवाल अंकल आते हैं, तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने आंखों से इशारा करा कि ये ब्लेसिंग है. तो फिर बाद में मेरे को सब, और नेक्स्ट टाइम हम गुरुजी के लिए फूल भी ले गए कि गुरुजी इसके इसका ना ए प्लस आया. तो गुरुजी बहुत हंसे, बहुत हंसे. तो जब ये हो रहा था तो मेरी छोटी बेटी वो सारा नजारा देखती थी कि जो गुरुजी को बोलता है ना वो गुरुजी दे देते हैं. तो उसने मुझे बोला गुरुजी को बोलो कि मुझे साइकिल लेके दे. संगत जी उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम बच्चों को साइकिल लेके दे. वो मुझे चूटियां मारी जाए कि आप बोलो गुरुजी को. उस टाइम 6 साल की थी. तो गुरुजी ने बोला की बोल रही है. मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं बोल रही. कहते ना ना कुछ तो बोल रही है, दस की बोल रही है. मैं कहा गुरुजी कह रही है मैंने साइकिल लेके दो, गुरुजी को बोलो मुझे साइकिल लेके दे. गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए. एंड संगत जी ये बात होगी मई या जून की. जुलाई में मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे आता है, अगस्त में छोटी बेटी का. गुरुजी ने जुलाई में मेरी बड़ी बेटी के बर्थडे से कुछ दिन पहले ही दोनों को साइकिल दिला दी. मेरे अंकल की एक और डील कराई जिसमें से अंकल ने जाके इन दोनों के लिए बाइसाइकिल्स खरीदी. आई मीन किसी को लगता होगा ये बहुत छोटी बात है, बट इमेजिन हम ये क्यों ना करें कि गुरुजी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं. बड़ी का तो करते ही है. आप जैसे कोई एग्जाम में बैठता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, वो बड़े सॉल्व कर लेता है, पर जो छोटी छोटी होती है ना उसमें मिस्टेक्स करता है. गुरुजी हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का भी ख्याल रखते हैं कि ये भी दे दो, ए भी तो ए भी ना, वो तो आएगा. अब देखिए गुरुजी के पास हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पहुंचे थे, पर संगत जी गुरुजी ने हमें स्टेप स्टेप पे इतना कुछ दे दिया. मेरे अंकल का बिजनेस करा है, मेरी बेटियां जो कि बड़ी बेटी है उनको, उसको वकील बनाया है, छोटी को एक नॉट साइकेट्रिस्ट बट एक मेंटर ट्रेनिंग वाला कोच बना दिया जो हमने कभी नहीं सोचा था. अभी मैं आपसे उसके बारे में भी शेयर करूंगी. मेरे अंकल को भी गुरुजी ने ऐसे ऐसे आगे बढ़ाया, फिर उनसे डिले कराई. हमारा पूरा घर रेनोवेट, हमारा फ्लोर है पूरा रेनोवेट कराया गुरुजी ने. एंड गुरुजी इनको बाहर 2004 में गुरुजी ने हमें संगत में आने से मना किया था कि घर बैठ के पाठ करो. गुरुजी मेरे अंकल को एक बार ही सीटीसी प्लाजा मिले, गुरुजी वहां पे शॉपिंग करने गए थे. फिर उसके बाद अगले साल गुरुजी आनंद विहार में पैसिफिक मॉल में मिले. एंड ही सो काइंड. सेम संगत गुरुजी के साथ पैसिफिक मॉल में थी, सेम संगत वॉज एट सीटीसी प्लाजा. और गुरुजी जब सीटीसी प्लाजा गए थे तो संगत जी वो मेरे अंकल ऑलरेडी मॉल में शॉप की लोकेशन दिखाने के लिए ओनर के पास गए थे. तो जब मीटिंग करके आए तो देखा गुरुजी एंट्रेंस पे ना, वो जैसे एंटर करते थे सीटीसी मॉल तो वहां ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी काउंटर था. तो गुरुजी ज्वेलरी चेक कर रहे थे अपने हाथ वो ना बिल्कुल आंखों के पास रखते थे महाराज. तो ऐसे ना ज्वेलरी चेक कर रहे थे तो मेरे अंकल ने बोला मुझे कोई खुशबू नहीं आई. जैसे मैंने टर्न के मैं कहा गुरुजी, कहते उसी टाइम इन्होंने प्रणाम करा. महाराज ने कहा तू ऐसे किस तरह, कहते गुरुजी आपने बुलाया तभी तो आया, नहीं तो आ सकता हूं. तो फिर इन्होंने वहां का जो ओनर थे उनसे बोला गुरुजी ये यहाँ के ना करता धरता है. गुरुजी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी. तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला चल शॉपिंग करन आया से चल हमारे साथ. जब वो अंदर गए तो इन्होंने बोला मैं बिल्कुल जैसे सेवादारों को देखता था एम्पायर में, मैं भी वैसे ही खड़ा हो गया अटेंशन करके. कहते जूते उतार के मैं वैसे खड़ा हो गया. गुरुजी शॉपिंग कर रहे थे. कहते फिर मैंने इन्होंने गुरुजी से पूछा गुरुजी आपको ठंडा लोगे कि गरम, चाय कॉफी क्या लेंगे आप? तो गुरुजी ने बोला मैं ना कॉफी पियांगा. तो इन्होंने वहां के स्टाफ को समझाया कि मग्स को अच्छे से धो के कोई नया मग हो तो उसमें गुरुजी के लिए कॉफी प्रसाद लेकर आए. तो जब वो कॉफी आई गुरुजी ने कॉफी पी, कॉफी के बाद जो थोड़ी सी बच गई थी तो बाकी मग्स तो इन्होंने जाने दिए, गुरुजी का मग इन्होंने पकड़ लिया. और गुरुजी उन्हें देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है. देखो मैं इन्होंने वेटर को बोला कि अगर कोई डिस्पोजेबल डब्बा या कुछ मिल जाए या थैली मिल जाए कि ये प्रसाद ना घर ले आए हम सब ले. तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है. तो
उन्हें तो मेरे अंकल ने भी बोला ओके ठीक है। तो उन्होंने फिर गुरु जी की तरफ देख के आंखें बंद करके वो प्रसाद पी लिया। ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद गुरु जी ने मेरे अंकल को बुलाया, बोला कि देख महापुरुष आए ने, उन्हें बोल जरा जाके कि महापुरुषा को डिस्काउंट दे भाई। तो ये फिर ओनर्स के पास गए तो ओनर्स ने बोला हाँ जी हम डिस्काउंट जरूर देंगे। और गुरु जी ने उनको बोला कि एक बार उन्हें कहो कि बड़े मंदिर आके आशीर्वाद लेके जाए। तो वो सारा मेरे अंकल ने समझाया, तो मेरे अंकल बोले। उसके बाद मैंने सारी शॉपिंग बैग्स खुद पकड़ी और मैंने जिस गाड़ी में गुरु जी आए थे वो सारी डिक्की भरी। उसके बाद मतलब कि जैसे बड़े मंदिर में भी गुरु जी मतलब फंक्शंस में जब आते थे तो हम लोग एंड तक रुकते थे, सेवा करके फिर घर आते थे। तो सारी सेवादार क्या करते थे, गुरु जी के चरण को हम छू के आशीर्वाद लेते थे, फिर गाड़ी को उनके धक्का देते थे। तो मेरे अंकल ने बोला, मैंने सेम जब मैं गुरु जी से आशीर्वाद लेने गया, गुरु जी ने कहा ऐसे बड़ा चंगा बंदा मिल गया तू मैनू, ये कह के मेरे अंकल को बहुत प्यार दिया। उसके बाद मेरे अंकल ने बोला मैंने ना गाड़ी को धक्का दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद ये घर आए तो घर आके ना ये रो रहे थे। उस टाइम पे मेरे फादर जो है वो आरजी स्टोर में एडमिट थे, डैडी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई थी और गुरुजी से ही परमिशन लेके डैड ने सर्जरी करवाई। तो ये मेरे डैडी से भी मिलके आए, घर आए तो इनके हाथ में थे समोसे और जलेबी लेकर आए थे और गुरुजी के पास मंदिर में रख के ना रो ही जाते। मैं कहा क्या हुआ, कहते बस ठहर जा मैं भी चाय बनाता हूँ, ये चाय बना के आए। मैं कहा क्या हुआ, कहते गुरुजी मिले। ओ माय गॉड, देन मैं मेरे को क्यों नहीं मिले। मैं कहा आपको कैसे मिल गए। मैं कहा यार कुछ मेले खरीद आते, गुरुजी को बोलते पकड़ के ब्लेस कर दो यार। मैं कहा यार आपने इतना नहीं करा, ये इतने ये कह मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे कर रही है। हम इतने खुश थे, बहुत खुशी हुई। कहते गुरुजी ने सब पूछा घर पे सब ठीक है, काम काज किस तरह चल रहा है। बोला हाँ जी गुरुजी सब ठीक ठाक है। आई मीन इतनी इतनी बात का ध्यान रखना, सब करना। एंड उसके बाद एक साल बाद फिर मिले और गुरुजी उस टाइम मेरे अंकल के लिए कहते हैं कि उस आंटी को कि देखिए याद है इन्हें सानू डिस्काउंट दिलाया से, इन्हें शॉपिंग कराई सी। मेरे अंकल कहते मैं वही रो पड़ा कि मैंने कौन सी शॉपिंग कराई, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो किसी लायक नहीं। महाराज ऐसे ही इंसान को ऐसे उस पे खड़ा कर देते हैं कि इंसान सब कुछ वो हो जाता है, बिल्कुल भूल जाता है कि क्या हुआ मेरे साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं, तो हमें इम्तिहान कराते हैं कि सब कुछ मैं ही करता हूँ। मुझे संगत जी याद है कि जब हम शुरू में ही गए थे तो एक बारी बच्चों की छुट्टियों में ही मुझे याद है हमारे यहाँ पे एक होलसेल मार्केट है, मैं वहां पे हम लोग कुछ सामान और स्टेशनरी बच्चों के लिए लेने गए थे। जैसे मेरे मैं गाड़ी से उतरी तो वहां पे पांच या छह फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि हमें ना खाना खिला दो, हमारे ना पैसे किसी ने लूट लिए हैं, हमारे पास बिल्कुल खाना खाने के पैसे नहीं है। तो वहां गली में ही एक ढाबा था, मैं उससे पहले संगत जी मैंने ना वहां पे फल वाले का ठेला भी खड़ा था। तो पता नहीं अचानक मुझे फील हुआ मेरे हाथों से गुलाबों की खुशबू आने लगे। मैंने अपने अंकल को सुंघाया, मैं कहा ये देखो गुरु जी का हुक्म है। कहते हाँ जो है ना हुक्म, तू तेरा मन जो है वो इनको दे दे। तो मैंने उनको फल फल पता नहीं कौन से थे वो फल लेके दिए। उसके बाद मैं उनको ढाबे पे ले गई और वहां पे मैंने उनको बोला आपको जितना खाना खाना है ना आप खा लो। ढाबे वाले को मैंने पैसे पकड़ा दिए कि और अपना फोन नंबर दिया, तब लैंडलाइन होते थे, मैंने लैंडलाइन नंबर दिया कि आप इनका ना भर पेट के खाना खिलाइए, प्लस अगर ये पैक करना चाहे दूध वगैरह कुछ भी तो प्लीज आप इन्हें दे देना, और जो भी डिफरेंस हो आप मुझे फोन करना, मैं वो पूरा कर दूंगी। ऐसे करके हाथ जोड़ के हम अपना जो काम करके गाड़ी में बैठे संगत जी। उसके बाद थोड़ा सा ही आगे जाके फिर रुकना था, तो मैं जब फिर से गाड़ी से जब उतरी तो पीछे से एक साइकिल वाला आया और मुझे कहता है और क्या कर रही थी। मैं कह हां जी वो ढाबे पे खाना खिला रही थी है। मैं कह मतलब, कहता है और बड़ा खाना वाना खिला रही थी, दान वान कर रही थी। पता नहीं संगत जी मेरे मुंह से गुरुजी ने यही निकलवाया कि मैंने क्या क्या कराने वाला तो ऊपर वाला है, मेरी क्या औकात। दैट वॉज द टाइम गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मन में घमंड मत करना, मैंने कराया ये, मैंने ही सब कुछ किया, तेरा कुछ भी नहीं है। आई फेल्ट घर आके ना एक मैंने हाँ लिया कि एक वो कि वो आई ना मन में कि मैं गुरुजी कैसे हमारे मैं को आने नहीं देते, उसी टाइम आपको वॉश ऑफ कर देते हैं।
एंड दैट वॉज द फर्स्ट, मतलब एक लेसन गुरु जी ने मुझे सिखाया। उसके बाद संगत जी, मतलब कि मेरी, मैं अपनी बेटियों के बारे में शेयर करूंगी। गुरु जी ने बड़ी वाली को बहुत आशीर्वाद दिया, उसके इम्तिहान भी बहुत लिए। मुझे याद है कि उसके पैर काफी बड़े हैं, तो जब वो हमारे, वो छोटी बच्ची को तो देखिए कुछ पता नहीं था, पर इसको गुरु जी ने शुरू से मैच्योर जैसे बनाया। इसके जूते छोटे हो गए थे, इसका पैर का अंगूठा सूज गया था। ये जब स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाती थी तो जूते, मतलब हमने नोट करा ये ना टेढ़ा मेढ़ा चल रही है, तो मैंने इसको बोला, मैं कहा बच्चे क्या हो गया? कहती माँ कुछ नहीं, ये जूते पहन के जाए। उसी टाइम मेरे अंकल एक दिन इसके जूते उतारे, कहते ये क्या, और देखा इसका अंगूठे सूजे पड़े हैं। कहती पापा मेरा पैर बहुत बड़ा है ना, और अभी हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो मैं एडजस्ट कर रही थी। पापा कोई बात नहीं, कुछ टाइम निकल जाएगा, जब आपका कुछ होगा मुझे लेके दे देना। मेरे हस्बैंड उस टाइम बहुत रोए गुरु जी के आगे, बहुत रोए। एंड संगत जी उसके बाद इसके लिए जूते आए, एंड दिस आई हैव शेयर्ड। मतलब गुरु जी हम सबको देखे एक शिक्षा देते हैं कि कल को आपके पास अच्छा हो, सब कुछ हो, ये वक्त कभी नहीं भूलना। मैं कहां से आपको क्या कहां पहुंचाया, आज उसके पास इतने जूते हैं कि आप पूछो नहीं। बहुत गुरु जी ने उसको बहुत कुछ दिया, उसको गुरु जी ने दर्शन दिए, और दर्शनों में दिखाया कि गुरु जी ने हमें आखिर तक रोका है। एंड गुरु जी ने उसको ना सारा अपने कमरे का सामान दे दिया, ए भी ले ले। शी क्लियरली टोल्ड मी मम्मा, गुरु जी ने अपने जोड़े भी दिए, बाकी सब कुछ दे, अपना घड़ा दिया, गद्दा दिया, बेडशीट, कर्टन्स, सब कुछ कहा। कहती इतना सामान था कि गुरुजी ने कहा कि नेक्स्ट डे सुबह ट्रक बुलवाना और सामान उठवा ले। दिस इज हाउ गुरुजी मटेरियलिस्टिकली ब्लेस्ड हर। वो बच्ची इतना रोई, कहती मम्मा मतलब स्पिरिचुअली मेरे को कुछ नहीं दे रहे गुरुजी। और मैं हैरान थी, इतने छोटे बच्चे को गुरुजी ने समझ दी है। मैं कहा बेटा वो तेरे को ऑलरेडी बहुत प्यार करते है। कहती नहीं मम्मा, बट यू नो है मटेरियलिस्टिकली मेरे को देखो कितना दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, पर मेरे को स्पिरिचुअली नहीं दिया। मैं उसको समझाया, मैं कहा बेटा तेरे को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, एक एक बच्चे को प्यार करते हैं। संगत जी आई शेयर दिस विद न्यू संगत कि मतलब इतनी कृपा होती थी कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तब फूल भी ले जा सकते थे, कोई मिठाई लेकर आता था तो गुरुजी के चरणों में रखते थे। तो ये बच्चे क्या करते थे कि बच्चे उठा के साइड बोर्ड पे रखते थे। उसके बाद ये हो गया, किसी बच्चे को मिला, किसी बच्चे को ये सेवा नहीं मिली, तो वो जिसको नहीं मिली वो रूठ जाता था। तो गुरुजी ने फिर जाके सेवा सिंगला अंकल के, मेरे ख्याल बेटे की सेवा लगाई कि तू उठाया के उधर रखेगा, तू ग्लासेस उठाओगे, कोई बच्चा नहीं उठाएगा, कि किसी का भी दिल ना टूटे। बच्चे तो इतने, जब गुरुजी टॉफी प्रसाद देते थे, बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, सारे भाग के आते थे कि गुरुजी टॉफी प्रसाद दे रहे, गुरुजी टॉफी प्रसाद दे रहे। और हम बच्चे क्या, हम भी बच्चे हो जाते थे, मतलब हम इतने वो बचपना होता था हमारे में कि गुरुजी तो एक हाथ से प्रसाद देते थे, हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। उसके बाद भी गुरुजी के जोड़ों में, गुरुजी की बांह में, बिल्कुल एल्बो के ना बीच पे वहां पे कुछ पड़ा होता था, हम इशारे से पूछते थे गुरुजी चुक लाई है, तो गुरुजी कहते थे हाँ उठा। एंड हम इतने खुश होते थे कि आज ना गुरुजी के ना जोड़ों में से मिला हमें प्रसाद। मतलब ऐसे ऐसे, मतलब बच्चों वाले काम करते थे हम। छोटी का भी बच्ची को, बड़ी बच्ची को फिर गुरुजी ने, जब वो 12th में पहुंची तो उसको पहले से ही संगत बोलती थी कि ना, और लॉ कैसे चल रहा है तेरा, कैसे चल रहा है। उसने एक दिन मुझे बोला मम्मा ऐसे है, वो साइंस स्टूडेंट थी, उसने कहा मां मैं लॉ तो गुरुजी ने कराना है तो लॉ करना पड़ेगा, पर गुरुजी जब तक अपने मुंह से नहीं बोलेंगे ना मैं लॉ के एग्जाम के लिए नहीं बैठूंगी। उसके जहां पे वो ट्यूशंस के लिए जाती थी वहां पे भी उसके सर ने कहा कि तो IIT और AI SSS के लिए तो बैठेगी, बट आकांक्षा सिट इवन फॉर लॉ, यू विल बी अ वेरी गुड लॉयर। तो इसको इंडिकेशन तो मिली, पर ये अपनी उस पे अड़ी रही। संगत अब गुरुजी के पास बच्चे जाने अलाउड नहीं थे, फंक्शन में गुरुजी किसी से भी बात नहीं करते थे। तो इसने मुझे बोला, कहती मम्मा आप लोगों को भी जाना अलाउड नहीं, क्या करूं मैं। ये संगत जी 2006 की बात है, प्री बोर्ड्स भी हो गए। तो अच्छा, मैंने फिर इसको ऐसे ही बोला, मैं कहा बेटा जिस दिन गुरुजी तेरे को बहुत ज्यादा ना एंजाइटी और गुरुजी की याद आ रही है उस दिन तू, माय पेरेंट्स यूज्ड टू गो, तो मैं कहा तू नानू नानी के साथ बेटा चली जाना।
संगत जी वो मेरे पेरेंट्स के साथ एक दिन उसको बहुत गुरुजी की याद आई, खिंच पड़ी, वो गुरुजी के पास गई एंड इसको डर भी था कि कोई सेवाधार कुछ बोल देगा कि आप तो अलाउड नहीं हो। तो ये जैसे अंदर गई तो उसके बाद जब बारी आई प्रसाद की तो उसने गुरुजी से बात करी, बोला गुरुजी मैं 12th में हूँ गुरुजी, अब मैं क्या करूँ। गुरुजी बहुत खुश है, गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी हो गई तो, कहती हाँ जी गुरुजी अब मैं क्या करूँ। गुरुजी ने कहा मैं ते लॉ कराना है। अब गुरुजी ठेठ पंजाबी बोलते हैं और मेरी हम घर पे पंजाबी इतनी नहीं बोलते तो मेरी बच्ची को थोड़ी कंफ्यूजन है। गुरुजी उसने फिर पूछा हाँ जी गुरुजी, गुरुजी ने कहा एल ए ला, मैं ला कराना है तेरे को। तो इसने बोला हाँ जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। कहती मम्मा मैं इतनी खुश हुई और गुरुजी ने ऐसी मेरे को स्माइल दी कि पूछो ना। कहती मैंने लंगर भी कर लिया, मैंने गुरुजी से पूछ भी लिया। जब ये बाहर आई तो आप देखिए सेवाधारों को भी गुरुजी ने वो सोझी दी हुई है। उससे सिंगला अंकल ने एकदम बोला बरखा आंटी कुड़ी नॉट अलाउड। कहती माँ मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं हुई कि मैंने जो जिस पर्पस के लिए आई थी, गुरुजी ने बुला लिया, गुरुजी ने मुझे बोल दिया। एंड 2007 में देन इसने अपने एग्जाम्स दिए एंड उसके बाद गुरुजी ने उसे पुणे भेजा, ILS लॉ इंस्टीट्यूट में इसकी एडमिशन हुई। वहां से इसने लॉ करा, उसके बाद इसकी वहीं पे कैंपस में गुरुजी ने जॉब लगवाई गुरुजी की मेहर से। वो गुरुजी ने पहले इंडिकेशन दे दी थी कि ये बैंगलोर जाएगी, ये वैश में इसकी हुई, वो बहुत अच्छी कॉर्पोरेट फर्म है। उसके बाद पारेखन कंपनी में दिल्ली में गुरुजी ने कहा मैं इसको दिल्ली बुला रहा हूं और इसकी जॉब लगवाई। उसके बाद इसने मुझे पहले से ही बोला था कि मम्मा मैंने ना लिटिगेशन में जाना है। तो कहां 60,000 मेरे ख्याल है शी यूज्ड टू अर्न एंड शी केम डाउन टू 20,000 और 25। उसके मैं कहा बेटा किसी को बोलेंगे ना तो हंसेंगे कि लोग तरक्की करते हैं। मैं कहा तू ये क्या नीचे नीचे जा रही है। कहती मम्मा कोई बात नहीं। एंड उसके बाद संगत जी आज वो अपने लॉ फर्म में शी इज अ एसोसिएट पार्टनर, इज ऑल गुरुजीज ग्रेस। एंड अब मैं आपको संजय जी अपनी छोटी बेटी के बारे में बताती हूँ। छोटी बेटी को ये था कि उसका ना उसे ना मतलब एग्जाम के टाइम पे उसको एंजाइटी होती थी, वो जब क्वेश्चन पेपर देखती थी तो उसको उल्टियां आनी शुरू हो जाती थी एंड ये बाथरूम भागती थी। टीचर्स सोचते थे चीटिंग करने जा रही है, जबकि इस बच्ची को चीटिंग का च भी नहीं पता होता एंड हमें समझ नहीं आता था कि इसको ये क्यों हो रहा है। क्लास में टीचर्स भी इसका मजाक उड़ाते थे, बच्चे भी इसको CD ऐसे ऐसे करके बोलते और ये बताती नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी को टीचर्स ने बताया कि ना बच्चे इसका ऐसे करते हैं। एक टीचर ने बोला जरा ना ध्यान दिया कर, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत होशियार थी, फिर परफेक्ट भी थी, तो शी वॉज मतलब टीचर्स यूज टू अडोर हर। संगत जी ये हुआ कि 10th में पहुंचते पहुंचते इसको थायराइड हो गया और थायराइड इतना हुआ कि पहली बार इसका थायराइड निकला 5,000 500। मैं और मेरे अंकल घबराए नहीं गुरुजी की मेहर से। उस दिन भी हम जिस दिन इसकी रिपोर्ट आई हम सत्संग पे गए थे एंड उसके बाद जब बड़े मंदिर भी गए तो इसको माला प्रसाद मिली, इसने स्नान करा एंड फिर गुरुजी की कृपा से मतलब वैसे सब ठीक चल रहा है। आज भी इसको थायराइड है बट इट इज स्टेबल, मतलब कि कोई गुरुजी ने प्रॉब्लम होने ही नहीं दी। फिर हमें कॉज पता लगी, संगत जी इसकी जो मजाक उड़ाते थे टीचर्स एंड बच्चे वो इसके दिमाग में ना बैठ गई थी बात। इसने जैसे कहते ना कि आपके अंदर अगर कुछ है तो उसको आप ना निकाल दो, आप कह के जो भी है ना निकाल दो उसको कह के, विच इज फार बेटर। अगर हम अंदर रखते हैं वो एक बीमारी बन जाती है। ये अंदर ही अंदर हो गई थी क्योंकि सारे बोलते थे कि तेरी बहन इतनी इंटेलिजेंट है और तू क्या है। और एक दिन ये बच्ची मुझे कहती मम्मा आप मुझे क्यों प्यार करते हो। मैं कहा मतलब क्या बेटा। कहती मम्मा कांशा दीदी के तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते। मैं अरे अंकल बड़ा हंसे। मैं कहा बेवकूफ बच्चे को इसलिए थोड़ी प्यार किया जाता है। मैं कहा तू डांस में बहुत अच्छी है, आकांक्षा नहीं है, तो अब हम आकांक्षा को प्यार ना करें। मतलब उसको समझ नहीं आता था कि ये सब क्या है। संगत जी 12th के बाद इसने मेरी बेटी ने बोला कि पापा इसके लिए आप प्लीज होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भर दो। इसका होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भरा, चंडीगढ़ में अंबेडकर इंस्टीट्यूट में इसको एडमिशन मिली जो कि ये पूसा वाला ही है एंड उसमें वहां भेज के गुरुजी ने इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। शी वुड कम अलोन थ्रू शताब्दी, एक वो अलग ही बच्ची बन गई। और उसके धीरे धीरे हायत में फिर अलग ITC में
ऐसे जॉब करा के गुरुजी ने इसको ताज में ऊपर क्लब में, ताज मानसिंह में इसको क्लब में जॉब दिलाई। वहां पे शी वॉज हैंडलिंग ऑल द एलीट ग्रुप ऑफ इंडिया, ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, देन ये एक्टर्स अमिताभ बच्चन जी हो गए, देन अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी, एस्कॉर्ट्स वाले, कोटक महिंद्रा, एवरीबडी वहां पे ये सारे मेंबर्स है, इवन पॉलिटिशियंस एंड एडवोकेट। एंड शी वॉज हैंडलिंग इन अ वे कि शी वॉज एट द रिसेप्शन, ये सारी वहां का हैंडल करती थी, उनकी बुकिंग्स करना सारा कुछ कर, और इसको बाय गुरुजी's grace इसको ना मेंबरशिप नंबर्स याद रहते थे और किसको क्या पसंद है वो मैनेजर को भी नहीं याद रहता था, इसको याद रहता था। सो एवरीबडी हैड लोड्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। वहां पे भी जाके जैसे बच्चों की होती है, शी वुड से मेरे को एप्पल का फोन चाहिए, गुरुजी कब दिलाएंगे, मम्मा मेरे को लैपटॉप लेना है, मैं मैकबुक की खरीदूंगी। एंड आई वुड से ठीक है गुरुजी, कहती आप कहते हो कहां दे रहे हैं गुरुजी। संगत जी फिर गुरुजी ने इसका इम्तिहान लिया, एक बहुत ही रिच फैमिली आई थी वहां पे, उन्होंने अपनी बेटी का रोका करना था, उन्होंने बोला अगर रिश्ता हो जाएगा तो रिश्ता हो गया, एंड दे गेव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टिप टू हर विच शी डिडंट एक्सेप्ट, शी गेव इट बैक टू देम, शी सेड सर जो मैंने करा, आपने जो जो कराना था वो मैंने अपनी ड्यूटी करी है सर, मेरे को ये नहीं चाहिए। एंड शी क्राइड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, गुरुजी मेरे को ऐसी कमाई नहीं चाहिए। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई फेल सो प्राउड कि गुरुजी आपने इम्तिहान लिया, ये पास हो गई, इसने वो पैसे नहीं लिए। फिर ओबरॉय में भी इसके साथ ऐसे ही हुआ, एक वहां पे ये बैंक्वेट संभालती थी, समबडी केम एंड गेव हर अ वेरी बिग अमाउंट, कहती मैम आई वाज शिवरिंग लिटरली, आई गेव इट बैक एंड आई सेड नहीं सर आई हैव डन माय ड्यूटी, दैट्स इट। एंड संजय जी उसके बाद वहां पे शी हेल्प वेटर्स वगैरह को ये बोलती थी कि अपनी ना उसमें आप कोई छोटे लोग नहीं हो, आप भी आपकी भी इज्जत है, तो इफ समबडी वुड से समथिंग बैड टू देम शी वुड से नेवर लुक डाउन, आप भी हो कुछ, कीप योर हेड अप। एंड वहां से गुरुजी ने इसकी एक तरीके से इसके थ्रू दो तीन लोगों को काफी मेंटल सहारा दिया। एंड लॉकडाउन के टाइम पे इससे पहले एक साल पहले इसने ओबरॉय छोड़ दिया था, शी वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड लुकिंग फॉर कि मैं आगे करियर कौन सा लेना है। संगत जी गुरुजी ने इसको एक लेडी से मिलवाया एंड शी गाइडेड हर कि यू गेट इनटू कोचिंग एंड नाउ शी इज जॉइंड अ फर्म विच क्रिएट्स मेंटर्स एंड शी ऑल्सो कोचेस एट अ लो लेवल, अभी शी इज एट अ वेरी लो लेवल बट शी इज लर्निंग एंड शी स्पीक्स टू ऑल यू नो एचआर पीपल एंड ऑल। एंड ये सब देख के इतनी खुशी होती है कि जिस बच्ची का लोग फैमिली मेंबर्स से मजाक उड़ाते थे आज गुरुजी ने उसको एक मकाम पे पहुंचा दिया। ये है हमारे गुरुजी, गुरुजी हम सबको कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। अब मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी संगत जी, मैं बचपन से मैं भी थोड़ी शैतान टाइप ही थी, पढ़ाई मैं ज्यादा करती नहीं थी, मस्त रहती थी। मेरी छोटी बहन ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, मेरे डैड को बहुत पढ़ाई का शौक था और वो पीएचडी करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। एंड मेरे टीचर्स मुझे कहते थे कि लॉ कर, पर मैंने लॉ नहीं करी कि मार्क्स ही नहीं आते। आई यूज टू गेट वेरी अपसेट कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर मेरे मार्क्स नहीं आते, तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आता था। तो मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग करी, वो सब करा, एंड जब मेरे गॉट मैरिड और फिर जब ये सब हुआ तो उस टाइम पे मेरे अंदर को कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे को होता था मैं हट्टी कट्टी हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं करती गुरु जी, मेरे अंदर कुछ तो क्षमता होगी, आपने मुझे कुछ तो दिया होगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, पर वो नहीं हुआ। फिर एक फेज आया, मेरी मदला बहुत बीमार थी, उनको कैंसर था, मेरे हस्बैंड उधर मम्मी को भी देखते थे, अपना काम भी, और बड़े मंदिर में उनकी सेवा थी, वहां पे भी होना होता था, उनको गुरुजी ने पार्किंग का हेड बनाया था, ये सब चल रहा था। उस बीच में मैं बिल्कुल वेली बैठी होती थी संगत जी, उस टाइम पे ये था कि गुरुजी ने बस एक गुण दिया कि मैं खाना अच्छा बनता, खाना खाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक भी है। तो संगत जी गुरुजी की मेहर से मतलब जो आता था वो बोलते थे हाँ भाभी ये बनाओ, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब कोई आता है मैं खाने बना के खिलाओ, एक वो मेरे को बहुत ही ना एक ऐसे तृप्ति होती है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो संगत जी जब मेरी मदला की डेथ हुई 2008 12 में, सॉरी शी पास्ड अवे
एंड उसके बाद मेरी बेटी ने एक दिन हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा कि ना एक एनजीओ है जो कि पहले लंच सप्लाई करते थे, उसमें सब कुछ बना के एक जगह से देते थे, वो होम शेफ्स ढूंढ रहे हैं। तो मेरी बिटिया ने बोला मम्मा आप भी जाओ अपने सैंपल्स लेके जाओ। तो मैं वेज नॉन वेज के मैंने सैंपल्स बनाए और उनको जाके खिलाए और मेरी सिलेक्शन हो गई। उसका एनजीओ का नाम उन्होंने डाला था मिलियन किचन। संगत जी उसमें गुरुजी ने मेरा इतना काम अच्छा कराया, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली, बहुत प्यार दिया गुरुजी ने वेज नॉन वेज बना के। पर उसमें मेरे को घमंड भी आया, एक डिश थी पनीर बटर मसाला जो कि गुरुजी बहुत प्यार से मेरे से बनवाते थे। एंड बिल्कुल मैं उनको बोलती थी गुरुजी हाथ पकड़ो, क्योंकि 10 बजे तक कभी भी ऑर्डर आ जाता था एंड मैं बेस बना के रख देती थी। तो जिस दिन मैं एक दिन बना रही थी, ऑर्डर आया रात को और मैंने बोला गुरुजी जो भी हो बरखा आंटी दे हाथ दा पनीर बटर मसाला इज वर्ल्ड बेस्ट। संगत जी मैंने ये बात अभी करी, मैंने प्लास्टिक कंटेनर में वो मैंने पोर्शन डाला। जब मैं डाइनिंग टेबल तक आई, राइडर बैठा हुआ था लेने के लिए, वो पूरा डब्बे का डब्बा मेरे हाथ से गिर गया। उसी क्षण मुझे हुआ मैंने ये बोला कैसे, मैंने अपने आप को एक दो थप्पड़ मारे, मैं गुरु जी के पास जाके बैठी, उस राइडर को मैंने बोला मुझे भैया सिर्फ 5-7 मिनट चाहिए। उसने कहा आप 10 मिनट लो। मैंने आधा ग्लास पानी पिया, गुरु जी के आगे बैठ के मैंने माफी मांगी कि मैंने ये कैसे बोला गुरु जी, हाथ तो आप पकड़ते हो, ये करके संगत जी मैंने फिर वो करा। और जितने टाइम तक मिलियन किचन चला गुरु जी ने मेरी बहुत अच्छी से ये कराई, मुझे एक वो रिस्पेक्ट दिलाई गुरु जी ने जो मैंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। एंड मतलब बच्चे इतने खुश हुए कि मम्मा देखो आज भी संगत जी, मतलब मेरा वो अब थोड़ा सा है, बच्चों के फ्रेंड्स ऑर्डर करते हैं, पर एक वो खुशी मिलती है जब मैं एक नई चीज बनाती हूँ। एक हम लेडीज को आदत होती है कि मैं ये घर पे ट्राई करती हूँ, अब बच्चों की आदत होती है रेस्टोरेंट्स जाना, पैसे अच्छे से खर्चना, हमें होता है थोड़ा सा उनके ना पैसे सेव कर सके, लाइक दे एंजॉय गोइंग टू बिग चिल। तो मैं एक बारी बच्चे बिग चिल ले गए, तो मैंने कहा ये कहती मम्मा आप तो खाते नहीं ग्रिल चिकन, मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं कहा मैं घर पे ट्राई करूं, कहती ओके। एंड मेरी छोटी बेटी बहुत, उसको बहुत ही कॉन्टिनेंटल इसका उसका शौक है, तो मैंने उसको बना के खिलाया, वो बहुत खुश हुई, बहुत रोई, कहती मम्मा मेरे को विश्वास नहीं हो रहा देखो आपने ये बना लिया मम्मा। मैं कहा देख बेटा इंसान सब कुछ कर सकता है अगर गुरु जी चाहे तो, जब संगत जी वो हाथ पकड़ लेते हैं ना तो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। बस हमें एक चीज याद रखनी है कि हमेशा उनके आगे हम ये ना बोले कि हम ये करें गुरु जी अच्छा ये ब्लेस कर दो मैंने ये करना है। संगत जी जैसे हमने वो बिजनेस गुरु जी से पूछा, वो बिजनेस नहीं हुआ, पर गुरु जी ने हमने पूछा था गुरु जी आपने क्या कराने का, मैं डीला करानी है, जॉब होगी बहुत वधिया ता करावांगा। तो वी आर स्टिकिंग टू दैट। मुझे जैसे गुरु जी ने मना किया था थर्सडे के व्रत बोले हैं, तो मुझे बोला था आज तेरा वार नहीं, थर्सडे तू कभी मैनू अपनी शक्ल ना दिखाई, ठीक है। तो मैं संगत जी मंदिर नहीं जाती थर्सडे के दिन, ना मैं सत्संग भी होता है मैं वहां पे भी नहीं जाती, जब गुरुजी विराजमान है तो उन्हें अपनी कौन सी शक्ल दिखानी फिर। तो जस्ट जो वो आपको कभी भी हुक्म दे दर्शनों में आके, प्लीज उसको हमें ना सच्चे दिल से फॉलो करना। कोई कुछ भी बोले उस बारे में आप कभी चिंता ना करें। हमें भी सब बोलते थे कि अभी भी वहीं जाते हो क्या हुआ है, और जब संगत जी गुरु जी ने मेहर करी, दुनिया तमाशा ही देखती है और कुछ नहीं होता, जब गुरु जी ने हमारे पे मेहर करी, मेरे अंकल की बहुत डीले कराई और सब पूरे फैमिली जो जो मजाक उड़ा सब ने देख देख के गुरु जी की जय जयकार कर, सब कभी ना कभी गुरु जी के शरण में पहुंच ही जाते। गुरु जी सब पे मेहर करते हैं, और गुरु जी ये भी सिखाते सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। और गुरु जी जो हमारे से छोटी छोटी सेवाएं लेते हैं ना, वो हमें हम्बल बनाने के लिए। जैसे संगत जी एक बारी मेरे डैडी के फ्रेंड आए थे गुरु जी के पास, एंड विक्रम अंकल कैन आई डू सत्संग फॉर अ शॉर्ट व्हाइल? जी आंटी। वो जो मेरे डैडी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड आए थे संगत पे गुरु जी के पास, उनकी बहू गायने थी सफदरजंग में और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो हमारी छुट्टी हो गई थी, आई वॉज डूइंग जल सेवा एट एम्पायर स्टेट। तो मेरे डैडी ने मुझे बोला एक मेरा काम करेगी, मैं कहा बोलो डैड। कहते तू ना ये इनकी बहू को अंदर ले जा। मैं कहा डैड गुरु जी डांटेंगे, मेरी तो छुट्टी हो गई है। कहते ना तू मेरे लिए इतना नहीं करेगी। संगत जी मैं उस आंटी को अंदर लेके गई,
तो गुरुजी ने मुझे अंदर घुसते बोला तू फिर आ गई है। तो मैं क्या गुरुजी ऐसे ते मेहर करो ना, कहते मैं दे दिता। मैं क्या गुरुजी प्लीज कह दो ना उन्हें। तो गुरुजी ने फिर अपने मुंह से बोला ले मैं कल्याण किता तेरा। और संगत जी मैं जब बाहर आई उसके 3 साल बाद मेरे डैड ने मेरे साथ शेयर करा कि उनको एक नहीं उनको 2 बच्चे हुए। कहते तू तो बोली थी तेरे को डांट पड़ी, पर वो देख गुरुजी ने अपने मुंह से 2 बारी बोल के उनको 2 बच्चे गिफ्ट करे। वो मतलब ये छोटे छोटे जो गुरुजी हमारे से करा देते हैं ना, हमें हम्बल बनाते हैं गुरुजी कि कभी हम ये ना सोचें। और ये नहीं कि मैंने अरदास करी तो उनको ये नहीं, ये तो एक बहाना था, गुरुजी ने मुझे अपना प्यार दिया बस। आई थिंक दैट वे। तो संगत जी आप गुरुजी पे पूरा विश्वास रखें। मतलब महाराज के उस पे हमने ये देखा है कि जो वो करते ना राइट टाइम पे ही देते हैं। आप जितना मर्जी रोलो गुरुजी पे कोई असर नहीं है। जब सही वक्त आता है ना वो आपको इतना दे देते हैं कि आप अपने आप को मतलब जैसे मैंने छोटा फील करा लिटरली। मतलब कौन सी खुशी है जो गुरुजी ने नहीं दी, क्या जो हम नहीं सोचते ना। मतलब आज गुरुजी ने एक संतोष दिया है कि कहते हैं मेरे को भाई किसी ने समझाया था कि शुरू शुरू में हमारे अंदर एक उछाल होता है, जैसे नदी ऊपर से आती है पहाड़ों से तो कितना उछाल होता है, पत्थरों पे अपना सर मारती हुई फिर वो एक बिल्कुल एक जगह आके थम जाती, वो बहरी होती है पर वो एक शांत सी हो जाती है। तो गुरुजी ने वो संतोष दे दिया कि जो है बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं दी है, कोई आपको कोई नहीं कर सकता। भक्ति भी इतनी गुरुजी ने पाठ में इतना कुछ शिव पुराण पढ़ा है, जब से पढ़ना शुरू करवाया गुरुजी ने एक एक चीज शुरू शुरू में मेरे को गुरुजी ने हुक्म दिया था जब तेरा मन आए पाठ कर। एंड संगत जी पूरा गुरुजी फील कराते थे कि इस पाठ में क्या हो रहा है, एक एक वार्तालाप फील कराते थे। और उन्होंने ये भी समझाया उस दौरान कि जो वेला उनके साथ जुड़ गया वो वेला अमृत वेला है। वो भी है कि आवाज है, एक शब्द में सुना था कि अमृत वेला जब होता है तो बबी है एक वो पक्षी है उसकी आवाज आती है। संगत जी गुरुजी ने उस दौरान में मुझे हर पल में कई बारी अलग अलग वेले में गुरुजी ने बबी है की आवाज सुनाई। तो जिस क्षण भी हम गुरुजी को याद करते वो अमृत वेला ही है। तो हमें वो वहम ही नहीं होता कि अमृत वेला ये है या वो है। वो लगता है जिस क्षण भी हमने गुरुजी से बस वो तार जुड़ गया ना तो वो हमारा वेला अमृत वेला हो गया। बहुत उस पे करा। एंड उस टाइम पे गुरुजी ने जब शिव पुराण का पाठ शुरू कराया तो उसमें अपने आप ही एक जगह जैसे शिव पुराण खोलते तो त्रिपुंठ आ गया सिंदूर का। फिर एक शिव विवाह का चैप्टर है वहां पे गुरुजी के सिंदूर के निशान आ गए है। गुरुजी ने ऐसे ऐसे ब्लेस करके पूरी चीज फील कराई है। जो मैंने कभी ऐसे प्रसाद देते थे एक गुलाब की पंखुड़ी पे एक चीनी का कण, अलग अलग ऐसे ऐसे गुरुजी ने फील कराया कि देख ये होता है। एंड मैंने एक बार ये शेयर करा था गुरुजी ने खुली आंखों से दिखाया गुरुजी संगत के कैसे ब्लेसिंग देते हैं, कैसे स्वरूप बदल देते हैं। एक आंटी रमा पायलट आंटी जो कि कांग्रेस के एक मेंबर थे राजेश पायलट जी, उनकी वाइफ वो गुरुजी के शरण में आती थी और वो गुरुजी की जब सेवा करती थी तो एक दिन गुरुजी ने दिखाया उनका स्वरूप बदल गया। आंटी का रंग जो कि व्हीटिश था वो सांवला और थोड़ा डार्किश सांवला हो गया और जो उनके हाथ मतलब कि जो हमारा पाम का अंदर का हाथ का हिस्सा होता है वो बिल्कुल लोटस की तरह लोटस का रंग बन गया। पूरा उनका स्वरूप बदल दिया गुरुजी ने। और गुरुजी की वो ऐसे सेवा करती थी और मैं देख के मैं कहते यार ये क्या है। तो मैंने उनको बताया कहते क्या दिखा दिया आज गुरुजी ने। मैं कहा आंटी आपका तो स्वरूप बदल देते हैं गुरुजी, मतलब कहती तूने क्या देखा। मैं कहा गुरुजी ने ये दिखाया मुझे। एंड गुरुजी ने कंफर्म कैसे किया, वो अपनी सिस्टर लॉ को लेके आती थी, उनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी तो उनकी सिस्टर मेरे को गुरुजी ने आंखों से छुट्टी के टाइम इशारा करा कि बाहर तेरी कोई वेट कर रहा है। तो वो पता लग जाता था कि किसी के साथ या तो सत्संग करना है या सत्संग सुनना है। तो वहां पे रमा पायलट आंटी की सिस्टर लॉ खड़ी थी और मुझे बोली आपने उसे क्या बताया। मैं कहा मैंने ये गुरुजी ने दिखाया कि जब ये सेवा कर रही थी गुरुजी ने इनका स्वरूप ही बदल दिया। मैं कहा ये तो बिल्कुल श्याम रंग हो गया और हाथ ऐसे हो गए, ये गुरुजी के इतने प्यार से सेवा कर रही थी। तो वो भी रो पड़ी, कहती देखो गुरुजी ने उसको कैसे संभाल लिया। कहते अपने हस्बैंड के डेथ के बाद वो तो पूरी बावरी हो गई थी।
महाराज देखे हमें इसमें भी, मतलब आई फील वेरी लकी, गुरुजी ने मुझे दो तीन ऐसे आंटियों के साथ जोड़ा जिनके घर गुरुजी जाते थे, तो उन्होंने वो सारा समझाया, गुरुजी आते हैं तो कैसे आते हैं, कहते हैं अचानक आ जाएंगे और बोलेंगे। और उस दौरान पे मुझे एक आंटी ने ये समझाया, कहते जलंधर में गुरुजी उनके घर गए, वो आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते गुरुजी हमारे घर आए और बरखा एंड संगत जी मेरा नाम बरखा भी गुरुजी ने ही रखा। एक दिन शादी का कार्ड साइन करते मुझे कहते तेरा नाम की है, मैं कहा गुरुजी वर्षा, और मन में मेरा है कि ये मेरा क्या भला करेंगे, मेरा नाम भूल गए, और गुरुजी ने उसी टाइम पे बोला नहीं मैं हूं तेनु बरखा बुलावा। सो दिस इज हाउ आई गॉट माई नेम बरखा। एंड उन्होंने मुझे फिर बताया आंटी ने कि बरखा गुरुजी जब हमारे घर आए, मैंने अपने कुक को कह के कौन सी चीज नहीं बनवाई गुरुजी के लिए, कहते हैं उसके बाद खा के गुरुजी ने बोला आंटी मजा नहीं आया, कहते मेरा तो दिल टूट गया। तो मैंने कहा गुरुजी क्या कमी रह गई थी, कहते हैं मजा वो है कि जब तू अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना तब आएगा मजा। उसके बाद संगत जी उन आंटी ने, गुरुजी ने जब उनके घर फिर से चरण डाले, आंटी ने अपने हाथों से खाना बना के गुरुजी को खिलाया और गुरुजी बहुत खुश हुए, कहते आज आंटी मजा आया मैनु। तो शीशत की गुरुजी ने उसके बाद बोला कि ज्यादा कर अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया करो, क्योंकि जब हम अपने हाथों से बनाते हैं तो बच्चा अगर एक एक्स्ट्रा चपाती मांगता है ना, तो आई नो मदर्स, मतलब आई नो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, जब उनसे हम आपस में बात करते हैं तो कहती है 11 बजे 11:30 बजे उसने बोला मम्मा आज पराठी खिलाओ, फिर एक और मम्मा बना दोगे, कहती वो मेरी सारी थकावट और नींद भी उड़ गई क्योंकि बच्चे ने इतने प्यार से मंगाए। और जब कोई सर्वेंट को बोल दे तो सर्वेंट बोलेगा नींद खराब कर दी, इनके तो पेट ही नहीं भरते। तो वो भाव ही सब कुछ है, जब हम अपने हाथों से बना के प्यार से देते हैं तो उसका एक आनंद ही कुछ और है। दैट इज इट। सो दैट इज इट संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।